मेरा नाम अनिल यादव है और मैं ग्रेडी झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मेरा बोथ आइज का अभी करंटली नंबर -1.5 लेफ्ट आई में और -1.75 राइट आई में है। हाँ, मेरे प्रॉब्लम लगभग 2012 के आसपास से शुरू हुआ था। मैं हजारीबाग झारखंड में रहकर पढ़ाई कर रहा था, वहाँ पर मैंने दिखाया तो वहाँ चश्मा का सुझाव दिया, तो मैंने चश्मा पहनना धीरे धीरे शुरू किया और लगातार ये धीरे धीरे बढ़ते गया नंबर, चश्मे का नंबर। मुझे i7 के बारे में लगभग एक साल पहले पता चला था YouTube के द्वारा ही, बाइक चलाने में या फिर यहाँ पर रास्ते में अगर बारिश हो रही हो तो फिर चश्मे में पानी आ जाता है तो फिर से बार बार पोंछना पड़ता है, चश्मा पोंछना पड़ता है, और अगर मास्क लगाए तो फिर उसमें जो वाष्प निकलता है वो चश्मे में लग जाता है। जो कोरोना के टाइम में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बार बार चश्मा साफ़ करना, अगर कहीं चलते रहते अगर किसी से टकरा जाए तो फिर चश्मा टूट जाता था। मेरी सर्जरी वेव प्लस आई इनोवाइज की सर्जरी। मेरी सर्जरी अभी तुरंत समाप्त हुई है, बिल्कुल दर्द नहीं रहा और सर्जरी फिर आप फील कर बहुत अच्छा फील हो रहा है। साइड में देखो 6 लिखा हुआ है, 6x5 तो है। कल मेरी वेवलाइट प्लस इनोवाइज की सर्जरी हुई थी और आज लगभग विजन क्लियर आ गया है, 6x5 का विजन आ गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कोई दर्द भी नहीं हुआ था, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ था और आराम से सब ऑपरेशन हो गया था। ठीक है सर, बढ़िया हुआ है सर्जरी। प्रिकॉशंस आपको बता दिए होंगे, वही फॉलो करना है। नेक्स्ट फॉलोअप अब 3 वीक्स बाद होगा, तब आप आगे दिखा सकते हो। चश्मा खोल के जब देखे तो बहुत अच्छा लग रहा था, विजन में तो क्लियरेंस ज़्यादा हो रहा था। पहले सनलाइट में भी प्रॉब्लम आती थी, ज़्यादा देर तक रहने वाला आँख दर्द करने लगता था, अभी वैसा कुछ नहीं लग रहा है। जब मैं आया तो हल्का धूप था लेकिन उतना असर नहीं हो रहा था, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मैं पूरे स्टाफ को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, स्पेशली राहिल सर को जिनके गाइडेंस में ये ऑपरेशन हुआ।